अगर मैं साल्ट की बात करूं, इसके जो इसको याद करने का तरीका पता है, किसी भी सूचर को याद करने का तरीका उसके जो साल्ट होते हैं उनको याद किया जाए, तो इसका जो साल्ट रहने वाला है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो का कंटेंट है, जो वीडियो का टॉपिक है, वो है सर्जिकल सूचर्स। मुझे काफी समय से कमेंट आ रही थी, तो उसी को लेके वही टॉपिक मैंने आज लिया है, और वो है सर्जिकल सूचर्स के बारे में। और वो उन सब लोगों के काम आने वाला है जो हमारे चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ओटी टेक्नीशियन है, उनके बेहद ही काम आने वाला है। चाहे एग्जाम की बात कर लो या उनके मेडिकल प्रैक्टिस की बात कर लो, जब वो वर्क करेंगे तब उनके काम में आएंगी चीजें, या फिर जो वर्किंग है उनको भी रूटीन में ये सब काम आते रहते हैं सर्जिकल सूचर। तो उन्हीं के बारे में आज का ये टॉपिक रहने वाला है हमारा। और हाँ, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि वीडियो में इतनी बेहतर तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। तो ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो का कंटेंट, आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए, आपके साथ। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सूचरिंग, सूचरिंग क्या होती है? पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सूचरिंग क्या है। सूचरिंग मतलब अगर कहीं पे कोई इंसिजन दिया गया है, इंसिजन यानी कट दिया गया है और दो पार्टों में बट गई है, उस दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जो सूचर को साथ में लेके सूचरिंग की जाती है, इस तरीके से वो सूचरिंग कहलाती है। क्लियर? अब बात करता हूँ मैं सूचर्स क्या होते हैं, जो सूचर्स के बारे में जो टॉपिक था हमारा, सूचर्स क्या है उनके बारे में मैं बात करता हूँ। सूचर मेरे पास काफी हैं, जो जो यूज में होते हैं सभी हैं मेरे पास सूचर्स। उन सूचर्स को लेके मैं आज आपके सामने एक एक करके डिटेल में बात करूंगी। अब देखिए सूचर्स क्या होते हैं, बात करूँ क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफाइड इनको किया गया है दो पार्टों में, जो हमारे सूचर्स होते हैं। तो पहले कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे ऑब्जॉर्बेबल और एक होते हैं नॉन ऑब्जॉर्बेबल, यानी कि दो तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है। ऑब्जॉर्बेबल जो घुल सकते हैं और नॉन ऑब्जॉर्बेबल जो नहीं घुल सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, एक जो है जो घुल जाते हैं बॉडी के अंदर ही घुल जाते हैं वो उनके टाइम पीरियड के हिसाब से, और एक है जो घुलते नहीं है, यानी नॉन ऑब्जॉर्बेबल जो घुलते नहीं है उनको कहा जाता है नॉन ऑब्जॉर्बेबल, और वो ठीक है। अब इनकी क्लासिफाइड आगे करके जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया वो क्या गया, नेचुरल और सिंथेटिक। कुछ जो सूचर्स हैं वो नेचुरल होते हैं यानी कि प्राकृतिक होते हैं, और कुछ सूचर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। अब उन जो नेचुरल होते हैं उनमें आप कोलेजन टाइप के सूचर आते हैं, या आप कैटगट को ले सकते हैं, क्रोमिक ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, कैटगट ले सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं वो आपके नेचुरल में आते हैं। अभी सिंथेटिक की बात करूं तो सिंथेटिक में जो सूचर आते हैं आपके वो होते हैं आपके मोनोक्रेल होता है, मैं ब्रांड नेम अभी बोल रहा हूँ लेकिन मोनोक्रेल होता है, बाइक्रेल होते हैं, बाइक्रेल जैसे पॉलीग्लेक्टिन होते हैं, या फिर पीडीएस होता है। पीडीएस को क्या बोला जाता है? पॉलीडाइक्सोनोन। क्लियर है? अब मैं आपके सामने, ये तो नेचुरल और सिंथेटिक हो गए, ये जो नेचुरल सिंथेटिक है ये ऑब्जॉर्बेबल के। अब मैं इसी में नॉन ऑब्जॉर्बेबल की बात करूं तो इसमें जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक रहने वाले इसमें प्रोलीन, यानी जिसको बोला जाता है प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, ये प्रोलीन है, ये आपका सिंथेटिक है नॉन ऑब्जॉर्बेबल में। और क्या है आपका? एथिलोन, एथिलोन मतलब नाइलॉन करके जो बोला जाता है, पॉलीएमाइड नाइलॉन, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका सिंथेटिक है नॉन ऑब्जॉर्बेबल में। और इसमें नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल इसमें होते हैं सिल्क होता है, और सर्जिकल कॉटन होती है, और सर्जिकल स्टील होती है। ये आपके जो क्लासिफिकेशन थी ये होगी आपकी नेचुरल और सिंथेटिक की। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो आपके लिए बेहद एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं उनके बारे में। तो अब मैं बात करूंगा ऑब्जॉर्बेबल और नॉन ऑब्जॉर्बेबल के बारे में। अब ऑब्जॉर्बेबल को जो क्लासिफाइड किया गया वो भी दो पार्टों में किया गया है, जैसे कि एक मोनोफिलामेंट और एक है मल्टीफिलामेंट। अब मोनोफिलामेंट क्या होते हैं? मोनोफिलामेंट होते हैं कि ये मान लो, ये एग्जांपल है, ये मेरी एक उंगली, एक फिंगर है, ये क्या है? मोनोफिलामेंट, यानी कि एक धागे से जो बनी हुई है, यानी एक है ये, तो ये मोनोफिलामेंट है। अगर इसी को मैं बोलूं ये पांचों से मिलकर, अगर ये मैं बोलूं ये सिंगल है, तो ये क्या हुई? ये मल्टीफिलामेंट हुई। मल्टीफिलामेंट क्या होती है? मल्टीफिलामेंट मतलब अनेकों धागों से मिलकर बनी हुई कोई, यानी कोई टांका जो सूचर बना हुआ है, कई धागों से मिलकर सूचर जो बना हुआ है वो मल्टीफिलामेंट कहलाता है, और मोनोफिलामेंट जो कि सिंगल लेयर वाला होता है, यानी एक होता है सीधा। तो उसके एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मोनोफिलामेंट के जो एग्जांपल होते हैं, मोनोफिलामेंट के एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो मोनोफिलामेंट में आता है आपका, ऑब्जॉर्बेबल की लिस्ट में मोनोफिलामेंट में आता है आपका कैटगट आता है, जो कैटगट सूचर होता है, क्रोमिक भी होता है उसमें, प्लेन भी होता है। प्लेन की अगर मैं लाइफ की बात करूँ कितने दिन तक वो रहता है, तो 8 से 10 दिन तक वो रहता है, और अगर मैं क्रोमिक की बात करूं तो वो रहने वाला है 90 डेज, यानी 90 दिन। क्लियर है? अभी इसी में दूसरा क्या आता है आपका? दूसरा आता है पीडीएस। पीडीएस क्या होता है? पीडीएस ये है, आप ये देख सकते हैं, ये पीडीएस सूचर है। पीडीएस का अगर मैं साल्ट की बात करूं, इसके जो
इसको याद करने का तरीका पता है, किसी भी सूचर को याद करने का तरीका उसके जो साल्ट होते हैं उनको याद किया जाए, तो इसका जो साल्ट रहने वाला है वो पॉलीडाइजेनोन है। पॉलीडाइजेनोन पीडीएस कहलाता है, क्लियर है? ये पीडीएस है, ये किस में आ रहा है? ऑब्जर्वेबल की मोनोफिलामेंट कैटेगरी का सेकंड नंबर का है कि पीडीएस पॉलीडाइजेनोन। अब इसी में तीसरा जो आता है वो तीसरा रहता है आपका मोनोक्रिल। मोनोक्रिल ये है, ये मोनोक्रिल सूचर है, आप देख सकते हैं ये मोनोक्रिल है। इसकी जो लाइफ रहती है वो 100 दिन की रहती है, यानी कि 3 महीने आप मान सकते हैं 100 डेज की रहती है इसकी मोनोक्रिल। क्लियर है? ये मोनोफिलामेंट के ऑब्जर्वेबल के अंदर मोनोफिलामेंट के हो गए। अभी मैं इसमें बात करूं मल्टीफिलामेंट की, जो मैंने मल्टीफिलामेंट की बात की थी, मल्टीफिलामेंट में बात करूं तो उसमें आता है आपका बाइक्रल आता है। बाइक्रल रैपिड भी आता है और बाइक्रल प्लेन भी आता है। बाइक्रल रैपिड क्या होता है? पॉलीग्लेक्टिन वाला जो बाइक्रल, ये बाइक्रल है, ये मेरे पास पॉलीग्लेक्टिन वाला बाइक्रल है। ये क्या है, किसमें आ रहा है? ये मल्टीफिलामेंट में, यानी कई धागों से मिलकर बना हुआ है ये, मतलब एक तरीके से एक नहीं है, ये मिक्सअप है, यानी गुच्छादार है। मतलब आप चोटी समझ, चोटी देखी होंगी आपने फीमेल्स के अंदर, यानी जो लड़कियां या जो लड़कियां वोमेन्स जो फीमेल चोटी बनाती हैं पीछे, वो कई बालों को इकट्ठा करके चोटी बनकर तैयार होती है, तो वही होती है। मतलब वो चोटी दिखती सिंगल है लेकिन कईयों से मिलकर बनी होती है, तो वही बाइक्रल का काम है। ये कई धागों से मिलकर बना हुआ है बाइक्रल, यानी कि पॉलीग्लेक्टिन। ठीक है, ये है इसका। अब ये हो गए मल्टीफिलामेंट भी हो गए, मोनोफिलामेंट भी हो गए, ऑब्जर्वेबल के। अब मैं इसी में बात करता हूं जो मैंने बात की थी इसी में, नॉन ऑब्जर्वेबल की। नॉन ऑब्जर्वेबल जो घुलते नहीं है शरीर के अंदर सूचर्स, उनकी मैं बात करता हूँ। नॉन ऑब्जर्वेबल में बात करूं तो पहले वही कैटेगरी क्लासिफिकेशन वही है कि एक है मोनोफिलामेंट, एक है मल्टीफिलामेंट। अब मोनोफिलामेंट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये नहीं कि मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट के नाम से ही जानेंगे, इनको मोनोब्रेडेड के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नाउ एज, या फिर मल्टी ब्रेडेड के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इसमें मोनोफिलामेंट की मैं बात करूं नॉन ऑब्जर्वेबल के अंदर, इसके अंदर जो सूचर आते हैं आपके वो पॉलीबेनिलाइट डिन भी फ्लोराइड भी आता है इसमें, जो मेरे पास है नहीं, अभी आप साथ में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही सूचर है वो जो इसमें आता है मोनोफिलामेंट में, नॉन ऑब्जर्वेबल में। दूसरा सूचर क्या आता है? प्रोलिन, जो मैंने अभी बात की थी, ये वाला जो प्रोलिन था, पॉलीप्रोपाइलिन, ये साल्ट जो है पॉलीप्रोपाइलिन, ये प्रोलिन भी इसी के अंदर आता है मोनोफिलामेंट के अंदर, नॉन ऑब्जर्वेबल के अंदर। अब इसकी क्लियर है। अब इसी में बात करते हो, अगला जो इसमें अगली जो आती है इसमें वो आती है नायलॉन, जो सूचर आता है वो होता है नायलॉन। नायलॉन मतलब पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड नायलॉन को मतलब एथिकोन करके बोला जाता है। ये देखिए, ये नायलॉन का सूचर है, नॉन ऑब्जर्वेबल। नायलॉन मतलब कंपनी अलग अलग हो सकती है, एथिकोन के नाम से भी आता है या जो भी आता है, लेकिन आपने पॉलीएमाइड करके याद करना है। ठीक है, ये इसका हो गया मोनोफिलामेंट का, नॉन ऑब्जर्वेबल के मोनोफिलामेंट। अब इसी में नॉन ऑब्जर्वेबल के मैं मल्टीफिलामेंट की बात करूं तो मल्टीफिलामेंट में इसके आते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर सूचर मेरे पास नहीं है, पॉलिस्टर आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये पॉलिस्टर है। ये पॉलिस्टर बीच में आता है मल्टीफिलामेंट में, और इसमें आता है सिल्क, सिल्क बीच में आता है, जो आप सिल्क यूज करते हैं, सिल्क 10, 20, 30। हाँ, एक बात और मैं बताता चलूं आपको, जैसे बोलते हैं ना सिल्क 10 ओपन करो, 20 ओपन करो, इनको डिफरेंस मतलब इनको कैसे पता लगेगा, जैसे इन सूचर्स के नंबर बढ़ते हैं तो सूचर्स के धागे और निडल छोटी होती चली जाती है। मतलब जो सूचर आप नंबर वन खोलेंगे तो नंबर वन की सुई भी, मतलब जो टांके लगाने वाली सुई है वो, मतलब निडल तो आप देखे होंगे ना, मतलब निडल की टिप, निडल बॉडी और स्वैप करके जो पीछे होता है उसके अंदर धागा लगा होता है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगली जब वीडियो लेके आऊँ उसमें इन सूचर्स को कैसे याद किया जाता है, स्पेशल तरीका एक ट्रिक के साथ मैं बताऊँ आपको, और सूचर लगाए कैसे जाते हैं, इनकी टाई और नोट कैसे किए जाते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस टाइप के कंटेंट अगर आपको पसंद है तो मैं लाता रहूँ, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर होता रहूँ। ठीक है, अभी मल्टीफिलामेंट की बात हुई थी, पॉलिस्टर और सिल्क, ये मल्टीफिलामेंट में आता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर इनके हम बात करें कि क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं इसमें मोनोफिलामेंट की बात करूं तो मोनोफिलामेंट क्या होते हैं, चिकने होते हैं। मतलब मोनोफिलामेंट जो होते हैं आपके नॉन ऑब्जर्वेबल, जैसे कि मैं बात करूं ये आपके प्रोलिन है, नायलॉन है, क्या ये चिकने होते हैं। तो आपने शीत क्लोज करते टाइम देखा समय, मतलब जब अब्डोमन ओपन किया हुआ है या कोई भी शीत जब हम क्लोज करते हैं, सर्जन को देखा इस तरीके से क्लोज करते हैं, तो वहां पर उसके साथ वो 7-8 नोट लेते हैं। इनमें जो है क्या है, इनमें 7-8 नोट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चिकने होते हैं, खुला रहे, इस वजह से कम 8-9 नोट इनमें लगाई जाती है। वही मैं बात करूं मल्टीफिलामेंट की, कई धागों से मिलकर बने होते हैं तो उनमें भी, लेकिन
से चार नोट लगाई जाती है। अब इन्हीं में और मैं बात करूं इसमें इन्फेक्शन के चांस, क्योंकि वो सिंगल टाइप से बने मोनोफिलामेंट तो उनमें इन्फेक्शन के लेस चांस होते हैं कि इन्फेक्शन के कम चांस रहते हैं अकॉर्डिंग द मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट क्या है कि वो कई चीज़ों से मिलकर बना है तो वहाँ पे कॉलोनी बन सकती है, स्पेस हो सकता है, तो बैक्टीरिया के या किसी भी इन्फेक्शन के पहुँचने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मल्टीफिलामेंट में अकॉर्डिंग द मोनोफिलामेंट के चांस ज़्यादा रहता है मल्टीफिलामेंट में इन्फेक्शन का, लेकिन मोनोफिलामेंट में नहीं रहता है। क्लियर है दोस्तों आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए आपके अकॉर्डिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए।